आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवी मां सरस्वती जी का दिन है, वैसे तो उनके सारे ही दिन होते हैं लेकिन आज के दिन विशेष कुछ होता है, इसीलिए विशेष पूजन होता है। लोग पीला पहनते हैं, मुझे पीला दिखा नहीं तो मैंने पीला यहां पहना है अपने हार्ट के ऊपर। दोस्तों, रिपब्लिक डे के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल जो देश का माहौल चल रहा है उसमें यह बताना बहुत जरूरी है कि रिपब्लिक डे का मतलब है क्या। रिपब्लिक डे का सबसे पहले मतलब तो यह है कि हमारा देश जिस संविधान पर चलता है, जिस संविधान की शपथ खाते हैं लॉ मेकर्स और बाहर आकर बयान दे देते हैं कि चाकू रखो, जिस संविधान की शपथ खाते हैं और बात करते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारे देश का संविधान एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष संविधान है जो इस बात की पूर्ण आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म का पालन करें और किसी भी धर्म को हम प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग, खासकर कुछ राजनीतिक पार्टीज हैं राइट विंग की, जो ये दावा करती हैं कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगी या किसी धर्म की रक्षा करेंगी। दोस्तों, धर्म हजारों लाखों साल से सनातन धर्म चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई 30-40 साल पहले आई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। असल में ये लोग आपके अंदर एक भय को जगाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये ना आपके सगे हैं ना आपके धर्म के सगे हैं, इनको सिर्फ पावर चाहिए, सत्ता में रहना है। इस देश में करीब करीब 80 करोड़ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और बार बार ये कहना कि हिंदू धर्म खतरे में है और इस तरह की बातें करना, ये शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ा अपमान आप संविधान का कर रहे होते हैं। आज अगर आप हैप्पी रिपब्लिक डे कह रहे हैं तो इसका मतलब पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि वो लोग जो धर्म के नाम पर, भाषा के आधार पर या किसी पंथ के आधार पर, जाति पाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन्होंने फिर रिपब्लिक डे का मतलब ही नहीं समझा है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें करीब 250 सदस्य थे संविधान सभा के और उन्होंने ये बनाया, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने, रहने, व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने, किसी भी धर्म में विवाह करने की आजादी हो। इसीलिए हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। इसलिए वो लोग जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके मन में कुछ ऐसे विचार डाल देते हैं, उनसे दूर रहिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, उस दिशाहीन तर्कहीन भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आस्था तक तो ठीक है, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था को जब लोग अंधविश्वास में बदल देते हैं और फिर उसके नाम पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे जो कहना शुरू करते हैं, उसमें उनका झूठ साफ झलकता है। आप सोचिए कि आप इस देश के संविधान को मानकर ही इस देश में रहते हैं और इस देश का संविधान तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि आप इस राष्ट्र को किसी एक धर्म को समर्पित कर दें, क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हमने तो कहा ही अपने संविधान में कि सभी धर्मों को आजादी है, सर्व धर्म संभाव। तो ऐसे में जो लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, आपकी चेतना को खत्म कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि अगर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप मुर्दा समान हैं। आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए, सभी से प्रश्न पूछना आना चाहिए। अगर हमारे देश का एक सांसद आपके सामने आकर ये कहता है कि चाकू तैयार रखिए, तो उससे आप पूछिए कि आप किस लिए हैं। आप संविधान की रक्षा करने के लिए, आप संविधान में जो लिखा है उसका पालन करवाने के लिए, और उसके लिए आप हमसे चाकू रखने को कह रहे हैं? क्या आप अपना धर्म निभा रहे हैं? और कहां ये सनातन धर्म में, किसी धर्म में कहा गया है कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ ऐसा करें? दोस्तों, ये आपको इसलिए भी गुमराह करते हैं। आज मैं देख रहा हूं देश भर में पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पठान का विरोध प्रदर्शन अगर हम इसलिए करें कि उसमें कहानी नहीं है, कुछ दिखाया नहीं गया है या देश विरोधी सोच को बढ़ावा दिया गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसलिए कि पठान में शाहरुख खान हीरो हैं इसलिए हम विरोध करें, तो यह मूर्खता है। क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जिसने माननीय श्री अब्दुल कलाम जी को अपना राष्ट्रपति बनाया, आज भी लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों या और तमाम लोग हैं जिनको बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं आपकी आड़ में कोई राजनीतिक पार्टी अपना उल्लू सीधा करने में तो नहीं लगी हुई है। इस देश के न्यूज चैनल्स ने तो सवाल पूछना छोड़ दिया है, विपक्ष भी दुर्भाग्य से नहीं है,
ऐसे में जनता को ही ये भूमिका लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर जनता भी टुनटुनी बजाने में लग जाएगी तो फिर जो सत्ता में बैठे हैं वो निरंकुश हो जाएंगे, या फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए उनसे सवाल पूछने वाला कोई तो होना चाहिए। इस समय ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोग निभा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि लोगों के आस्था का भी गलत फायदा उठाया जाता है। लोगों की आस्था को अंधविश्वास में परिवर्तित करके इधर उधर के बाबा आ जाते हैं, वो चमत्कार दिखाने लगते हैं। ऐसे चमत्कार दिखाने हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ कीजिए, जो इतने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ कीजिए, जो इतनी सारी समस्या है जनसंख्या विस्फोट की उसके लिए कुछ करिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ करिए। तो ये जो आप लोगों को मूर्ख बनाने का सिलसिला चल निकला है, उसको देखने के बाद हमारे जैसे लोग जिनको सवाल पूछने की आदत है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं इतने साल, मुझे सवाल पूछने की बहुत ज्यादा आदत है, वो मेरे मन से बहुत सारे प्रश्न उठा करते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे तो आप विश कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में भाव रखे हैं कि हमें इस देश को किसी एक धर्म को समर्पित कर देना है। ऐसी सोच कम से कम संविधान को मानने वालों की तो नहीं हो सकती। और इस देश में अगर आप इस देश के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आपको रहने का भी कोई हक नहीं है। तो दो तरह की बातें करना, एक तरफ आप संसद में जाते हैं, संविधान की रक्षा का वचन निभाते हैं, कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, शपथ खाते हैं, और उसी शपथ को खाने के बाद आप ये कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर ये तो दोगलापन हुआ ना, कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको अपनी पार्टी को जीत दिलवानी है। तो फिर आपकी पार्टी बड़ी हो गई या संविधान बड़ा है? क्या है बड़ा, क्या है इस देश में? देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, या कोई पार्टी बड़ी है? दोस्तों, ये सारी बातें हमें पूछनी होंगी, समझनी होंगी। आपके मन में ऐसे विचार डाल दिए जाते हैं कि आपके धर्म को खतरा है और ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर अपने आसपास देखें, आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए कोई नहीं आ रहा, और संविधान जब तक हमारे देश का इस बात को कहता रहेगा, आप पर कोई न रोक लगेगी न कोई आप पर अपना प्रभाव जमा सकता है। लेकिन हाँ, ये राजनेता जो हैं, ये चुनाव जीतने के लिए आपके सामने ऐसी पिक्चर जरूर बना सकते हैं। आपको इनसे खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में अगर कोई अलगाववाद फैलाता है तो बहुत सारी राजनीतिक दलों में बैठे ये नेता, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी चुनावी जो रणनीति है वो तभी तक चलती रहेगी, तभी तक ये जीतते रहेंगे जब तक ये लोगों के मन में एक दुराव या द्वेष पैदा करते रहें। ये आपको नहीं होने देना है। इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी आपसे बड़ी नहीं है। इस देश में सबसे ऊपर देश है, देश का संविधान है, देश की जनता है। बाद में इन पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर आता है, जो जब तक एक दूसरे में विलय भी हो जाती हैं, और जब तक इनके जो एक दूसरे पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे में चले भी जाते हैं। मैं देख रहा हूं उस समय देश का हाल काफी खराब है, क्योंकि लोग नहीं है इस देश में, अब भीड़ बढ़ने लगी, और भीड़ जो है वो पूरी तरह से दिशाहीन है, तर्कहीन है, सवाल नहीं पूछती, उन्मादी है, बहने लगती है, किसी ने कुछ कहा बस पीछे चल दिए बिना कुछ पूछे। कम से कम जानो कि वो क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है, कहां से आ रहा है, आपको कहां ले जाएगा। और एक और बात मैं कहकर इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, धार्मिक कट्टरवाद कहां ले जाता है किसी देश को, उसका उदाहरण अफगानिस्तान है। इसलिए कट्टरवाद से दूर रहिए। मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं भी एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, जन्म से हिंदू हूं, लेकिन कट्टरता से आप अपने धर्म को खत्म करने लगते हैं, आप अपने अस्तित्व को खत्म करने लगते हैं, अपने देश को खतरे में डाल देते हैं। सभी धर्मों का आदर करना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप किसी को आज विश कर रहे हैं हैप्पी रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे का ये वो मतलब है जो आप नहीं समझे। बहुत सारे लोग जो हैं वो हैप्पी रिपब्लिक डे को किसी एक पार्टी की बबौती मानने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देश सबका है, और यहाँ जितनी धर्म के लोग रहते हैं उन सबका बराबरी से है, और ये इस देश के संविधान में लिखा है। अगर कोई भी इसे बदलने की कोशिश करेगा तो संविधान के खिलाफ जा रहा है, उस बात को समझिए। और आपके बीच जो मनमुटाव और द्वेष फैलाया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर कि आप राइट के हैं लेफ्ट के हैं, जनता कहीं की नहीं होती। मेरा मानना है जनता ना राइट की है ना लेफ्ट की है, जनता जनता है, देश देश है। इसको चलाने वाले अलग अलग आइडियोलॉजीज के आएंगे, उनमें से हो सकता है आप किसी को वैचारिक रूप से सपोर्ट कर दें, लेकिन तब भी क्या वो देश से ऊपर होगा, क्या वो देश के संविधान से ऊपर होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि अगर कोई आपके दिमाग पर कब्जा करना चाह रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि उससे उसकी चुनावी जीत निश्चित हो जाए, तो क्या आप ये होने देंगे? वैसे ये बात मैं एक ऐसे देश में कर रहा हूं जहां अगर महानगर पालिका के भी चुनाव होने हों तो सरनेम देखकर उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है कि फला एरिया में फला सरनेम वाले ज्यादा हैं।
हम बात तो नेपोटिज्म की कर लेते हैं बॉलीवुड में, लेकिन ये नहीं देखते कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर नेपोटिज्म को हमने खुद ही कितना बढ़ाया हुआ है। नेपोटिज्म ये भी है, जातिवाद ये भी है कि आप किसी पार्टी में अपने उम्मीदवार को खड़ा करते समय पार्टी ये सोचे कि भाई हम इस सरनेम वाले को खड़ा करेंगे क्योंकि इसको ऐसे वाले वोट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर आना और आपको याद दिलाना ये मेरा काम है। आज मौका था रिपब्लिक डे का, मुझे लगा ये सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए। इनमें से आप क्या किसी से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट करते वक्त अपनी भाषा की सभ्यता का ख्याल रखें। अगर किसी ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये भी आज मैंने गणतंत्र दिवस पर एक फैसला किया है कि बहुत सारे लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं लेकिन आप उनको सभ्य भाषा में रखिए। आलोचना और गाली में फर्क है, आलोचना और गाली के फर्क को समझिए। आलोचना करने में कोई एतराज नहीं है लेकिन गाली देने में बिल्कुल है। इसलिए सभ्य भाषा में अपने विचारों को रखिए और अपने संस्कारों का परिचय दीजिए और बताइए कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं।